हेलो फ्रेंड्स, मैं गुड़िया स्वागत करती चैनल गुड़िया जानवी पे। और फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ एक ब्राइडल मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ। तो मेरी वॉइस बहुत ज़्यादा ख़राब है, हो सकता है आप लोगों को क्लियर वॉइस ना मिल रही हो मेरी, तो मैं पूरी वीडियो में अपनी वॉइस नहीं रिकॉर्ड करूँगी, आप लोग देखते जाइएगा। तो जो मैं ब्राइड तैयार करने वाली थी, उनका आप लहंगा और ज्वेलरी देख सकते हैं। काफ़ी मतलब प्यारा लहंगा था और ज्वेलरी भी उनकी काफ़ी अच्छी थी, तो ये उन्हें पहनाना था मुझे। और आगे बाकी आप देखते जाएंगे कि मैंने कैसे कैसे मेकअप उनका किया हुआ है। जहाँ जहाँ पे ज़रूरी होगा मैं अपनी वॉइस देती जाऊँगी, और बाकी आप खुद ही देखिएगा कि कैसे कैसे मैंने रेडी किया हुआ है उनको, कितने कम टाइम में मैंने और कितने कम प्रोडक्ट से ही रेडी किया हुआ है। बहुत ज़्यादा मैंने प्रोफेशनल तरीके से कुछ नहीं किया है, तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं एक ब्राइड दिखा रही हूँ मेकअप लुक आप लोगों को। आई होप आप लोग को पसंद आएगा। अगर प्लीज़ आप लोग को पसंद आता है तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो मेरी वॉइस बहुत अच्छी नहीं मिल पाएगी आपको, इसलिए मैं पूरी वीडियो में वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं करूँगी, और कहीं कहीं पर मैं बोल पाऊँगी तो बोलूँगी। तो फेस को मैंने पहले ही सीटीएम कर दिया था, और उसके बाद मैंने उनके फेस को अच्छे से मिस्ट कर दिया था, और उसके बाद करने के बाद मैंने मॉइस्चराइज़ किया था फेस को, ताकि अच्छे जाए और जब हम कोई भी प्रोडक्ट अप्लाई करें तो आसानी से अप्लाई हो जाए। बाद मैंने कलर करेक्टर लिया था NYV का, लिंक आपको सारी प्रोडक्ट की नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। और आप अगर कुछ बाय करना चाहते हैं तो बाय भी सकते हैं। उसके बाद मैंने कलर करेक्ट से उनके जो भी फेस पे कुछ डार्कनेस थी और कुछ स्पॉट थे, उन्हें मैंने कवर किया हुआ था। उसके बाद मैंने एलेगल का लिया था कंसीलर, और कंसीलर को लेके मैंने आईज़ को अच्छे से पॉप आउट कर लिया था, और क्योंकि दिन मुझे आई का मेकअप पहले करना था। और फिर मैंने यहाँ पे एस्टे कॉर्की का लिया हुआ है कॉम्पैक्ट, उसे सेट कर दिया था ताकि क्रेकी ना हो उनका जो आई मेकअप है। और उसके बाद मैंने पैलेट ली थी कलर प्रो की, और उसमें से मैंने ऑरेंज शेड लिया था जो ट्रांजेक्शन कलर मुझे बनाना था उनकी आइज़ का, तो उसे लेकर ही मैंने उनकी आइज़ पे अप्लाई किया था। उनका ट्रांजेक्शन कलर मैंने बनाया हुआ था, क्योंकि रेड कलर का लहंगा और गोल्डन और ग्रीन मिक्स लहंगा था, तो कुछ उसी तरीके से मुझे कलर देने थे उनकी आइज़ में। तो दोनों आइज़ पर मैंने कुछ इस तरह से अप्लाई किया हुआ था, और आप तो जब देखिएगा तो पूरा मेकअप लुक जब कंप्लीट होगा तब आप देखिएगा कि आई मेकअप काफ़ी अच्छा और बहुत ही सिंपल सा आया था उभर के, और काफ़ी अच्छा लग रहा था उनके फेस पे, क्योंकि ब्राइड जो थी वो काफ़ी फेयर कलर की तो थी, बट उनका फेस बहुत ज़्यादा भरा हुआ नहीं था, तो इस वजह से बहुत ही उनका शार्प था, तो मुझे उसी तरीके से मेकअप करना था। उसके बाद मैंने डार्क शेड लिया था, उसे अपनी क्रीज एरिया में मैंने अप्लाई किया था डार्क ब्राउन शेड को लेके। उसके बाद देन मैंने जो है कट क्रीज बनाई हुई थी, तो कंसीलर लेके मैंने कट क्रीज की थी, क्योंकि मुझे इसमें रेड कलर अप्लाई करना था। तो इस तरह से देख सकते हैं आप मैंने किया हुआ था। उसे अच्छे से ब्लेंड कर दिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे रेड कलर लिया था, और रेड कलर से उनकी आईलेट पे उसे अप्लाई किया हुआ था, और मैंने तब तक अप्लाई किया जब तक मुझे मेरा कलर नहीं मिल गया था, लहंगे के अकॉर्डिंग कलर मुझे नहीं मिल गया था, तब तक मैंने अप्लाई किया था उस कलर को। उसके बाद मैंने ली थी ADS की जो है पैलेट ली थी मैंने, आई शेडो पैलेट, उसमें से मैंने सिमरी शेड लिया हुआ था, उसे लेके लिट पे अप्लाई किया था, और उसे रेड कलर के साथ मिक्स एंड मैच कर दिया था कुछ इस तरीके से। उसके बाद मैंने आईब्रो फिल कर ली थी यहाँ पे उनकी, तो कुछ इस तरह से मैंने आईब्रो फिल की थी, मैंने ब्राउन और ब्लैक कलर को मिक्स एंड मैचिंग करके आईब्रो उनकी फिल की हुई थी, क्योंकि बहुत ही उनकी जो है लाइट आईब्रो थी। और उसके बाद आईब्रो को इनहेल्स करने के लिए मैंने कंसीलर का यूज़ किया था, और उसे जो है आईब्रो को एक शेप दे दिया था। देन मैंने यहाँ पे ली थी पैलेट ग्लिटर की, और ये ब्लू हेवन की पैलेट मैंने ली थी ग्लिटरी पैलेट, इससे लेके मैंने ग्रीन शेड लिया था, उसे मैंने आई की जो है इनर कॉर्नर पर मैंने अप्लाई किया था हाफ में, और उसे लेके अच्छे से अप्लाई कर दिया था। और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया हुआ था फिटमी का जो था फाउंडेशन,
उनके सेट का, और लिंक आपको सारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। उसे लेके मैंने अप्लाई कर लिया था उनके पूरे फेस पे कुछ इस तरीके से, और उसे अच्छे से ब्लेंड कर दिया था। और उसके बाद मैंने कंसीलर लेके उनकी आईज के अप्लाई किया है, ताकि जो जो मुझे फीचर्स फेस के जो है उभारने थे, उन्हें हाईलाइट करना था, वहाँ वहाँ पे कंसीलर अप्लाई कर लिया था, और कुछ इस तरीके से कर लिया था। कॉम्पैक्ट से अच्छे से सेट कर देना है आपको, और बहुत ही इजीली तरीके से मैंने इसमें बहुत ही नॉर्मल प्रोडक्ट से, बहुत ज़्यादा कोई हाई लेवल प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे यूज़ नहीं किए हुए हैं। उसके बाद मैंने कंटूरिंग की थी उनकी फ़ेस की, क्योंकि उनका फेस वैसे भी बहुत पतला हुआ था, तो मैंने बहुत लाइट कंटूरिंग की थी, जहाँ जहाँ मुझे लगा था कंटूरिंग करनी ज़रूरी थी वहाँ वहाँ पर मैंने फेस को कंटूर कर लिया था अच्छे से। और मेरी बेटी मेरे काम में हेल्प करती जा रही थी बीच में, तो कहीं कहीं पे आपको वो दिख भी जाएगी। उसके बाद मैंने अच्छे से ली थी मार्स की पैलेट, और उसमें से मैंने डार्क ब्राउन शेड लेके उसे सेट कर दिया था, जहाँ जहाँ मैंने कंटूरिंग की हुई थी। उसके बाद मैंने ब्लू हेवन की पैलेट ली थी, और उससे लेके मैंने अच्छे से चिक्स पे ब्लशर अप्लाई किया था उनके। उसके बाद मैं आई मेकअप पे फिर से वापस, तो आपको बार बार टच देना पड़ता है चीज़ों में, आपको देख कम ज़्यादा कहीं पे होता है, उसको भी बैलेंस करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे आईलाइनर अप्लाई कर, और मैंने यहाँ पे एनवाइवे का आईलाइनर अप्लाई किया है उनकी आईज पे, मैंने विंग्स बनाते हुए आईलाइनर अप्लाई किया हुआ है। देन उसके बाद मसाज, तो आप बाकी चीज़ें आप दे जाइए। कलर आपने आईज पे यूज़ किया होता है वही कलर आपको नीचे वाटर लाइन पर भी यूज़ करता है, ताकि आईज अच्छे से पॉप आउट हो जाए और देखने में काफ़ी। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है मिस रोज का हाइलाइटर है, और इसे लेके फेस पे आपको हाइलाइटिंग कर लेनी है, जहाँ जहाँ हाइलाइटर की ज़रूरत रहती है, जो जो हमें फेस का जो है पार्ट हाइलाइट करना रहता है, जैसे चिक बोन है आपका, आईब्रो बोन है, और लिप्स है आपके, आईज का इनर कॉर्नर है, वहाँ वहाँ पे हम हाईलाइट कर लेंगे। लेसर
से मैंने लगा के आई मेकअप कंप्लीट कर दिया, उसके बाद मैं लिप को डिफाइन कर रही हूँ लिप लाइनर से। तो मैंने यहाँ पे लिप ब्रश लिया हुआ है और उसे लेके मैं आउटलाइन कर रही हूँ अच्छे से लिप की। उसके बाद यहाँ पे लिपस्टिक को मैंने ब्रश से भर दिया है। तो मैंने यहाँ पे लकमे की लिए 92.5 लिपस्टिक, उसके बाद देन सारी ज्वेलरी वगैरह मैंने पहना दी थी। और मैं यहाँ पे आपको जो हेयर स्टाइल का वीडियो नहीं दिखा पाऊंगी, तो पूरा मेकअप लुक कंप्लीट हो गया है कुछ इस तरीके से, आप लोग देख सकते हो। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेकअप लुक कैसा लगा। तो मिलती हूँ अपने कोई नेक्स्ट वीडियो में नई मेकअप लुक के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए लव यू वॉचिंग, आई लव यू, बाय बाय फ्रेंड्स।